हेलो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने पिछले लेक्चर में एसिड्स एंड बेसिस को लेकर डिस्कशन किया था जिसके अंदर हमने अरिनियस कंसेप्ट और ब्रोंसड कन्सेप्ट किया था जिसमें हमने अरिनियस एसिड्स क्या होते हैं अरिनियस बेस क्या है इसके बारे में पढ़ा था कुछ अरिनियस एसिड की अरिनियस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी रही थी जिसको हमने डिस्कस किया था इसके बाद हमने ब्रॉन्स कंसेप्ट किया था जहाँ पे हमने पढ़ा था कि ब्रॉन्सड एसिड क्या है वट इज़ ब्रॉन्स बेस इसके बाद हमारा कंजुकेट एसिड एंड कंजुकेट बेस का कंसेप्ट आया था ब्रॉन्स के अंदर अब जो हम आज करने जा रहे हैं दैट इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुकेट एसिड्स एंड बेसिस दैट इज जो हमने ब्रॉन्स लोरी कंसेप्ट किया था जिसमें हमने कहा था कि ब्रॉन्स एसिड क्या होता है जो भी स्पीसीज आपकी प्रोटोन डोनर्स होंगी दे आर कॉल्ड एज सिंपली और ब्रॉन्ज एसिड और जो प्रोटोन एक्सेप्टर होगा वो आपका ब्रॉन्स बेस होता है तो इसके अंदर हम अगर आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में किया था कि जो भी आपका ब्रॉन्स एसिड होता है जब उससे हम प्रोटोन निकाल देते हैं तो जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट बेस एंड सिमिलरली जो आपका ब्रॉन्स बेस होता है जब वो प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद जो बनता है दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्जुगेट एसिड तो आज जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले दैट इज सिंपली कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगी इन इनकॉन्जुगेट एसिड्स की और बेसिस की तो जो आपका ब्रॉन्स्ड लॉरी कंसेप्ट है सिंपली इसने इसने क्या कहा कि जो आपका एसिड और बेस होगा इसकी जो पहली स्ट्रेंथ है सिंपली जो आपके एसिड और बेसिस हैं इनकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी तो ब्रॉन्स ने यह कहा कि जो एसिड है और आपका बेस है उसकी स्ट्रेंथ सिंपली जो डिपेंड करती है कि एसिड होता क्या है ब्रॉन्स्ड में कि आपके पास प्रोटोन डोनर दैट इज एनी स्पीसीज जो प्रोटोन डोनेट कर सके तो जो हमारा ब्रॉन्स्ड एसिड होगा उसकी स्ट्रेंथ मेनली डिपेंड करेगी कि टेंडेंसी कितनी आसानी से कोई प्रोटोन दे सकता है दैट इज सिंपली जो स्ट्रेंथ होगी एसिड की इट विल डिपेंड अपॉन टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटोन एंड सिमिलरली बेस क्या होता है प्रोटोन एक्सेप्ट दैट मीन्स कोई बेस कितनी आसानी से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेता है वो उसकी स्ट्रेंथ होगी उस बेस की जितनी आसानी से एसिड प्रोटोन देगा वो उतना ही स्ट्रोंग एसिड होगा एंड सिमिलरली जितनी आसानी से बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही स्ट्रोंग बेस होगा फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर हमारे पास एग्जाम्पल है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर दैट इज एच सी एल वैन इट इज डिसोसिएटेड इन वाटर ठीक है एच सी एल आप सभी को पता ही है क्या है आपका एसिड है ठीक है तो जितनी आसानी से आपका एसिड एच सी एल प्रोटोन देगा ठीक है इट विल एक्ट एज अ स्ट्रांग एसिड ठीक है तो जब आपका एच सी एल वाटर में डिसोसिएट करेगा तो इट विल गिव हाइड्रोजन आए एंड इट विल एक्ट एज एसिड आसानी से एसिड देता है आसानी as से आपका प्रोटोन देता है सो इट विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक है तो आफ्टर गिविंग प्रोटोन टू वाटर इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आए इन एक्वा सोल्यूशन एंड वट वी आर लेफ्ट विद हमने कहा था कि जब भी एसिड से प्रोटोन निकलता है तो हमारे पास क्या बच जाता है पीछे उसका कॉन्जुगेट बेस यही बचता है कॉन्जुगेट बेस हमारा जब एसिड से हम प्रोटोन निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो पीछे बचेगा दैट विल बी योर कंजुगेट बेस अब हमने ये देखना है कि ये जो कंजुगेट बेस बना हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड से ये वीक बना है या स्ट्रॉन्ग बना है तो पहली बात तो एच को लेके कि एच सी स्ट्रांग एसिड है आसानी से प्रोटोन दे देता है ठीक है इसकी टेंडेंसी जो प्रोटोन देने की है वो बहुत ही ज़्यादा है जिसकी वजह से एच जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन अगर हम क्लोराइड आयन को देखें ठीक है क्लोराइड आयन जो होता है इसकी जो टेंडेंसी है प्रोटोन एक्सेप्ट करने की वो बहुत ही इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग तो नहीं है और इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है ठीक है जो क्लोराइड की टेंडेंसी होती है प्रोटोन एक्सेप्ट करने की इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा है कि बहुत बड़ी आसानी से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ स्ट्रांग बेस इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रांग बेस बट इट इज़ अ वीकर बेस इट इज़ अ वीकर बेस दैट मीन्स कि जो क्लोराइड आयन है इसकी जो टेंडेंसी है प्रोटोन एक्सेप्ट करने की वो थोड़ी बहुत कम होती है ठीक है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है सो दिस इज़ अ वीकर बेस सो अगर हम इस इक्विब्रियम को देखें सो so, डेफिनेटली एच ज़्यादा डिसोसिएट कर रहा है क्लोराइड की टेंडेंसी यहाँ से प्रोटोन एक्सेप्ट करने की क्योंकि अब ये आपका एसिड बिहेव करेगा ठीक है तो क्लोराइड की जो टेंडेंसी होगी एच पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट करने की तो वो, वो वीक है तो दैट मीन्स ये जो हमारा इक्विब्रियम है दिस विल डेफिनेटली लाइज टुआर्ड्स द राइट right साइड इस तरफ को ज्यादा रहेगा क्योंकि एक्सीएल ज़्यादा डिसोसिएट करेगा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीच एट प्रिंसिपल हम सिंपल डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं ठीक है तो दैट मीन्स यहाँ से मैं क्या पता चला कि जो मेरा कंजुगेट बेस बना ठीक है किस से स्ट्रोंग एसिड के ठीक है जो स्ट्रोंग एसिड मेरा कंजुगेट बेस बना रहा है ठीक है वो कैसा है इट इज वीकर ठीक है तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कंजुकेट बेस बनाएगा वो लिटिल बिट वीकर है लेट अस सिमिलरली कंसीडर अनदर एग्जांपल जिसमें हमारे पास अनदर एसिड है दैट इज वी हैव एसिटिक एसिड इसकी डिसोसिएशन करते हैं इन वाटर नो एसिटिक एसिड की जो टेंडेंसी है टू गिव हाइड्रोजन आयन टू वाटर वो लिटिल बिट कम है जिसकी वजह से आपका एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका वीक एसिड बिहेव करता है इसके बारे में आप सभी को पता ही है वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट ठीक है जिनकी डिसोसिएशन कम्पलीटली नहीं होती है वो आपके वीक होते हैं सो एस्टिक एसिड जो है आसानी से प्रोटोन नहीं दे, देता है वाटर को मतलब इसकी कम्प्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पा रही है तो जिसकी वजह से ये वीक एसिड है ठीक है थीके? अब जितने भी आपकी डिसोसिएशन होती है डेफिनेटली प्रोटोन तो देगा ये वाटर कोसिड है इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आइन एंड वट वी आर लेफ्ट विदल ओ ने सी एच थ्री सी ओ ओ ने तो दिस इज कॉल्ड एज योर एसिडेट आयन ठीक है तो अब हमने देखना क्या है कि ये आपका एसिड है एसिड से हमारा क्या बनेगा कंजुगेट बेस बनेगा अब हमने क्या देखना है कि ये जो कंजुगेट बेस बना इस एसिड से ये स्ट्रोंग है या वीक है ठीक है तो अगर हम एसिडेट आयन्स को देखें तो एसिडेड आयन की जो टेंडेंसी है प्रोटोन एक्सेप्ट करने की दैट मीन्स दैट इज़ ये बेस है ना तो जो इसकी टेंडेंसी है प्रोटोन एक्सेप्ट करने की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मतलब बहुत ही ज़्यादा है तो दैट तो मीन्स ये बहुत आसानी से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा अगर ये आसानी से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लो तो दैट मीन्स इट इज़ अ इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग बेस जो कि ब्रांस ने कहा जो जितनी आसानी से प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो जितनी आसानी से प्रोटोन देगा वो स्ट्रोंग एसिड होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो वीक एसिड है इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना वो कैसा है स्ट्रॉन्ग है तो हम बोल सकते हैं आसानी से कि जो कॉन्जुगेट बेस होगा हमारे पास किसका कंजुगेट बेस ऑफ वीकर वीक एसिड है ना हमारा तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रोंग और ऊपर हमने क्या कहा था कि जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है मेरा स्ट्रोंग एसिड से वो वीक बन रहा है ठीक है तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि अगर हमारा एसिड स्ट्रांग होगा ठीक है सिमिलरली बेस बेस भी अगर स्ट्रांग होगा ठीक है तो जो हमारा कॉन्जुगेट अगर हमारा एसिड स्ट्रांग है तो हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो कैसा होगा वीक होगा और अगर हमारा एसिड वीक है ठीक है तो जो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट विल बी स्ट्रांग बेस ठीक है सिमिलरली बेस के साथ भी एग्जाम्पल करते हैं बेस के साथ भी लेके चलते हैं हम तो अगर हम बेस की बात करें इसी रिएक्शन वाले लेते हैं रिवर्स में लिखते हैं एसिटेट आयन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोनियम आयन क्या बना रहा है आपके पास ये एसिडिक एसिड आसिट दे रहा है अलोंग विद वाटर ठीक है तो हमने अभी क्या बोला कि एसिटेट आयन क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब आसानी से प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया हमारे पास आगे क्या बन गया एसिड बना जिसकी टेंडेंसी जो है प्रोटोन देने की वो क्या है कम है दैट मीन्स अगर बेस मेरा स्ट्रॉन्ग होगा तो जो मेरा कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है ठीक है प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद बेस में जो एसिड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड वो मेरा कैसा है वीकर है ठीक है सिमिलरली इस ऊपर वाली रिएक्शन को भी पकड़ते हैं एच सी एल वाली अगर इसको मैं रिवर्स में लिखूं, क्लोराइड आयन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोनियम आयन क्या बना था मेरा HCl एंड वाटर ठीक है तो हमने ऊपर ही डिस्कशन की थी कि क्लोराइड आयन जो होता है आपका दिस इज वीक बेस ठीक है प्लस की टेंडेंसी प्रोटोन एक्सेप्ट करने की कम है ठीक है लेकिन HCl आपके पास क्या है HCl इज अ स्ट्रांग एसिड तो ये तो मेरा बेस है ठीक है ये बेस है इसका कंजुगेट एसिड कौन सा है HCl तो ये कैसा बन के आ रहा है स्ट्रांग ठीक है तो अगर हम इस पूरी डिस्कशन को समअप करें तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रोंग एसिड होगा ठीक है जो हमारा स्ट्रांग एसिड है ठीक है तो उसका कंजुगेट बेस कैसा होगा वीक होगा ठीक है स्ट्रांग एसिड हैज अ वीकर कंजुगेट बेस सिमिलरली अगर हमारा एसिड वीक हो गया ठीक है अगर हमारा वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस कैसा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपका एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो जो उसका कॉन्जुगेट जो भी उसका एसिड या बेस बनेगा ठीक है अगर वो चीज स्ट्रॉन्ग है अगर आपके एसिड या बेस स्ट्रांग होंगे तो कॉन्जुगेट में जो आपका बनेगा चाहे वो एसिड बने या बेस बने वो डेफिनेटली विक कर ही रहेगा ठीक है सिमिलरली अगर मेरा एसिड या फिर मेरा बेस अगर वीक है तो उसका जो भी कॉन्जुगेट बनेगा चाहे वो एसिड बने या बेस बने वो डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगा ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरा स्ट्रांग बेस है अगर स्ट्रांग बेस है तो उसका कंजुगेट बेस कैसा होगा सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड होगा ठीक है स्ट्रांग बेस जो होगा उसका कंजुगेट एसिड कैसा बनेगा वीकर बनेगा सिमिलरली अगर मेरा बेस अब वीक हो जाता है ठीक है अगर वीक बेस है तो जो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा जो अब कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो कैसा बनेगा मेरा वो स्ट्रांग होगा ठीक है सो दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स लोरी कॉन्सेप्ट अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं ब्रॉन्स लोरी कॉन्सेप्ट की ओवर द अरिनियस कंसेप्ट उनको डिस्क, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम एडवांटेजेस ओवर अरिनियस कंसेप्ट कि अरहीनियस कंसेप्ट से ये कंसेप्ट आपका कैसे बेटर रहा ठीक है एडवांटेज ओवर अरिनीस कंसेप्ट तो डेफिनेटली पहली एडवांटेज तो यही लेके आ गई कि जैसा कि आपके अरिनीस ने कहा था कि जो हमारे बेस होते हैं ठीक है बेस में क्या होना चाहिए हाइड्रोक्सल ग्रुप होना चाहिए ठीक है स ने कहा कि बेस में हाइड्रोक्सो ग्रुप होना चाहिए तो जब भी उसकी डिसोसिएशन होगी ठीक है वाटर के अंदर जब भी हम सोल्यूशन डिजोल्व करेंगे हाइड्रोक्साइड लेकिन अब ब्रॉन्स ने क्या कहा हमारा बेस कैसा होगा जो सिर्फ प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा तो अब यह जरूरी नहीं है कि हाइड्रोक्साइड आयन होगा तभी हमारे पास कोई बेस होगा ठीक है तो जो हमारे पास सब स्पीसी थी लाइक अमोनिया सोडियम कार्बोनेट ठीक है ये जो सारी स्पीसीज जो आपकी बेसिक होती हैं ठीक है थीके? इनको आपका अनीनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लेकिन ब्रॉन्ज कंसेप्ट इनको आसानी से एक्सप्लेन कर पाता है कि हमारे पास ये जो मोलिक्यूल्स हैं जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकते हैं दे विल बिहेव एज अ बेस जरूरी नहीं है कि उनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप ही होना चाहिए एंड सेकेंड इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज रही कि ये जो आपका कंसेप्ट था ये जरूरी नहीं है कि मोलिक्यूल्स को ही एक्सप्लेन करेगा जैसे लाइक like, अमोनिया कि ये बेस है या नहीं है ठीक है ये आपके पास आयंस में भी यूज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कार्बोनेट आयंस है ठीक है बाई कार्बोनेट आयंस है दैट इज ये आयंस को लेके भी एक्सप्लेन कर सकता है कि ये आपके पास एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे सिमिलरली सल्फेट आयंस ठीक है जिनकी टेंडेंसी है कि आसानी से ये प्रोटोन ले सकते हैं दे विल बिहेव एज बेस तो ये आपके पास कुछ एडवांटेजेस थी ब्रॉन्स लोरी कंसेप्ट की ओवर दी अरिनीस कंसेप्ट लेकिन अब जैसे कि आप सभी को पता ही है स कंसेप्ट में भी कुछ लिमिटेशन रही थी वैसे ही अब लोरी भी कुछ लिमिटेशन में सफर कर गया था फिर से तो जो लिमिटेशन रही लोरी कंसेप्ट में पहले तो ये थी कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि कुछ हमारे ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं ठीक है और कुछ बेसिक भी होते हैं उनके बीच में जो रिएक्शन होती हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अभी इसने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारे पास ऑक्साइड एसिडिक यूँ होंगे बेसिक यूँ होंगे तो जो उनके बीच में रिएक्शन है एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड के बीच में इवन अगर सॉल्वेंट ना भी हो तब भी रिएक्शन हो जाती है ठीक है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है सल्फर ट्राईऑक्साइड है ठीक है दीज आल आर अवर एसिडिक ऑक्साइड सिमिलरली हमारे बेसिक ऑक्साइड भी हैं लाइक अल्कलीज एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड बनेंगे हमारे कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड एटसेट्रा तो इनके बीच में जो रिएक्शन हुई फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या बनेगा डेफिनेटली इजली ईजी रिएक्शन है कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा इनके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो रिएक्शन है वो कैसे हुई ठीक है अब जो एक और सबसे बड़ी लिमिटेशन ये रही अब आप सभी को पता ही है कुछ हमारे पास पीसीस ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं ठीक है और उनको हम बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एज अ कैटालिस्ट भी यूज करते हैं बी एफ थ्री ए एल सी एल थ्री ऑल यू नो अबाउटल यहाँ पर हम इन इनका यूज करते हैं तो ये जो आपके पास पीसीज हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं और इनको हम एसिड्स यूज करते हैं जबकि इनके पास नायित प्रोटोन देने के लिए है ठीक है जैसा कि आपका अरिनस कंसेप्ट है और जैसा कि आपका ब्रॉन्स कंसेप्ट है कि प्रोटोन डोनर्स विल बिहेव एज एसिड Yet बी एफ थ्री एंड ए एल सी एल थ्री बिहेव एज एसिड इस कंसेप्ट को आपका लोरी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ये कुछ लिमिटेशन थी कंसेप्ट को लेके। तो जो भी लोरी कंसेप्ट की लिमिटेशन थी अब उनको दूर करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आया दैट इज लुइज कन्सेप्ट आप सभी ने पढ़ा किया इसके बारे में प्लस प्लस टू में लुइस कंसेप्ट जिसने ब्रॉड की जिसने जो ब्रॉन्स लोरी कंसेप्ट था उसकी जो लिमिटेशन थी उनको दूर करने के लिए कुछ नई डेफिनेशन दी एसिड एंड बेस को लेके इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशंस इसकी जो डेफिनेशन रही वो donation, और इसको रही थी जो भी आपकी डेफिनेशन थी लुसैप्ट की वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन को लेके थी और पेयर एक्सेप्टेंस को लेकर थी और ये जो कंसेप्ट था दिस इज मोस्ट वाइडली क्योंकि ये सिंपल भी था और इसकी बहुत सारी वाइड एप्लीकेबिलिटी भी रही थी जिसकी वजह से कंसेप्ट बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था तो अगर हम देखें बट इज अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट एसिड जो था आपके पास इट इज सिंपली सिंपलीस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लुइस ने जो डेफिनेशन दी एसिड की वो ये दी लेके कि जो एसिड होगा इट इज सिंपली अ सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी जो आपके पास आसानी से एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके दैट इज एसिड इज सिंपली सब्सटांस विच एज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके ठीक है ऐसा सबस्टांस जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके सिमिलरली बेस क्या होगा बेस आपका ऐसा सब्सटांस है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके ठीक है अ अब्स्टांस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपके पास लुइस कंसेप्ट था जिसमें इसने कहा कि एसिड सिंपली हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होगा जो एक लॉन्न पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके और बेस सिंपली हमारा ऐसा सब्सटेंस है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके ठीक है तो इन अदर वर्ड्स अगर हम सिंपल में कहें बेस हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा बेस इज सिंपली अवर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और जो हमारा एसिड होगा दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर अब इस कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ अगर हमारे पास कोई भी स्पीसीज हुई जिसके पास क्या होगा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा ठीक है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आसानी से लुईस बेस बन जाएगा ठीक है एनी स्पीसीज विच अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल एक्ट एज अ लुईस बेस और ऐसा कोई सबस्टांस ठीक है ऐसी स्पीसीज जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हों लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए ठीक है एनी ऑर्बिटल्स ताकि वो लॉन पेयर एकोमोडेट कर सके उन ऑर्बिटल्स के अंदर विल बिहेव एज लुइस ऐसे तो ये हमारे पास लुइस का कंसेप्ट था तो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई लुइस एसिड रिएक्ट करता है लुइस बेस के साथ ठीक है तो लुइस एसिड में तो हमारे पास पिकेंट ऑर्बिटर्स अवेलेबल होंगे लुइस बेस में हमारे पास क्या होगा अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट मीन्स जब भी रिएक्शन होगी दैट इज न्यूटलाइजेशन ही होगी जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में तो होगा क्या जो लुइस बेस होगा वो अपना अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लुइस एसिड को देगा तो हमें पता ही है कि अगर सिर्फ जब भी एक बॉन्ड बने अगर हमारा कोई एक बॉन्ड बनता है जिसमें एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है दूसरे एटम को तो कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा कोआर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तो दैट मीन्स जब भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बिटवीन द लुइस एसिड एंड लुइस बेस हमारे पास क्या बनेगा कोआर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बिटवीन द टू एटम ठीक है एग्जाम्पल करते हैं लुइस एसिड एंड इस कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने अभी अभी कहा था जैसे बी एफ थ्री ए एल सी एल थ्री बेस क्या होंगे जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लाइक वाटर अमोनिया ये सारे हमारे लुइस बेसिस होंगे तो एक रिएक्शन कर लेते हैं लुइस एसिड और लुइस बेस के बीच में वी हैव बी एफ थ्री ऑन रिएक्शन विद अमोनिया ठीक है बी एफ थ्री विल बिहेव एज लुइस एसिड एंड अमोनिया विल बिहेव एज लुइस बेस ठीक है तो जब ये रिएक्शन होगी लुइस एसिड बोरोन ट्राइफ्लोराइड बोरोन की valence shell में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं टू एस टू टू वन ठीक है बाकी वेकेंट ऑर्बिटल हैं इसके पास अमोनिया इसके पास एक अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ठीक है सो दैट मीन्स अमोनिया अनशेर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट कर सकता है इसके एमटी ऑर्बिटल में दैट इज ये जो रिएक्शन होगी हमारे पास समवेयर कुछ इस तरह से होगी अमोनिया बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ठीक है नाइट्रोजन के पास क्या है अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज लॉन पेयर है ये इसको आसानी से दे सकता है बोरोन के एमटी ऑर्बिटल में और हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट कोवर एंड सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोडिनेट पोवल एंड बॉन्ड बिटवीन टू लुइस एसिड एंड लुइस बेस ये हमारी न्यूटलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी रहेगा तो जब भी हमारी न्यूटलाइजेशन रिएक्शन होगी इनको हम सिम्पली क्या बोलेंगे डोनर और एक्सेप्टर एक डोनेट कर रहा है दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है तो दीज रिएक्शन सिंपली कॉल्ड एज डोनर एक्सेप्टर रिएक्शन ये हमारी कौन सी रिएक्शन है न्यूटलाइजेशन हुई है यहाँ पर ठीक है डोनर एक्सेप्टर रिएक्शंस इसको हम सिंपली लिख सकते हैं इस तरह से दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एडप्ट तो हम नेक्स्ट थिंग अब देखते हैं लुइस एसिड कंसेप्ट के अंदर लुइस कंसेप्ट के अंदर कि लुइस एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं और लुइस बेस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं तो पहले कंसीडर करते हैं हम लुइस एसिड्स ठीक है कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो लुइस एसिड्स के अंदर आ सकती हैं क्योंकि हमने कहा ना दिस इज मच वाइडर एक्सेप्टर थ्योरी एक्सेप्टेंस थ्योरी कि ये बहुत ज़्यादा वाइट थ्योरी थ्रोरी जिसका यूज किया गया तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो लुइस एसिड्स के अंदर आ सकती हैं ठीक है तो लुइस एसिड पहली सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें एनी एनी स्पीसी विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स कोई भी स्पीसीज जिसका ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं है ठीक है जिसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है जिनका ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं है ठीक है वो आपके पास लुइस एसिड बिहेव कर सकते हैं तो जो फर्स्ट आपके पास लुइस एसिड्स के अंदर स्पीसीज आएंगी दे विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पहला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंडस तो हम कर रहे थे कौन कौन सी स्पीसीज जो है वो लुइस एसिड्स के अंदर आ सकती हैं तो पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट कंपाउंड जो भी होंगे दे ऑल विल बिहेव एज अ लुइस एसिड्स एग्जाम्पल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फॉर एग्जाम्पल बोरोन ट्राईफ्लोराइड एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड फेरीक्लोराइड दिज ऑल विल बिहेव एज अ लुइस एसिड क्योंकि इन सभी का ऑप्टेट कंप्लीट नहीं है एंड डेफिनेटली वो एक पेयर ऑफ इक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ताकि वो अपना ऑप्टेट जो है वो कम्प्लीट कर सकें ठीक है सेकेंड जो हमारी स्पीसीज जो लुइस एसिड्स के अंदर आएंगी दैट विल बी योर कटायंस ठीक है जो भी हमारे सिम्पल कटाइंस हैं जो भी हमारे सिम्पल कटाइंस है कटाइंस वट इज कटाइन केटाइन सिंपली एनी थिंग विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज कोई स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक हैज अटायन ठीक है तो जो हमारे सिंपल कटाइन होंगे दे विल एक्ट एज अ लुइस एसिड वो भी लुइस एसिड एक्ट करेंगे अब करेंगे कैसे कटाइन है दैट मीन्स क्या होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी जब भी कोई कटाइन बनेगा तो होगा क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दैट मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशियट हो जाएगा वो भी तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट होगा तो उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट करने की ठीक है वो बढ़ जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ गई तो दैट मीन्स विल एक्ट एज अ लुइस एसिड ठीक है तो एग्जाम्पल हमारे जो सिंपल कटाएंस होते हैं लाइक सोडियम आयन पोटाशियम आयन सिल्वर आयन निकल टू ट्रांजिशन मेटल ये सारे हमारे पास लुइस एसिड हैं अब इन कटाएं के अंदर दो चीज़ें आती हैं कटाएं जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक छोटे साइज़ के होंगे एक बड़े साइज़ के होंगे वन विद द स्मॉल साइज अदर विल बी विद द लार्जस्ट साइज तब क्वेश्चन ये आया कि सिंपल जो जो आपके स्मॉल साइज वाले कटायन है और जो लार्ज साइज वाले कटायन है ठीक है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड कौन सा होगा ठीक है तो ईजी है जितने बड़े साइज का कटायन होगा ठीक है दैट मीन्स उसकी टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने की होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा हो गया है और जो छोटे साइज का कटायन होगा तो जो उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वो बढ़ जाएगी क्योंकि साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी दैट विल दैट मीन्स इट विल बिहेव एज अ स्मॉल साइज वालाइन जो होगा इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड दिस विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड और जो लार्ज साइज वाला कीटाइन होगा इट विल बिहेव कंपेरेटिवली वीकर लुइस एसिड एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे पास लार्जर साइज वाला किटाइन है लाइक सिल्वर आयन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है सोडियम आयन आपके बेरियम आयंस इस तरह के जो भी हमारे अल्किअल कलाइंस हैं उनका साइज़ ज़्यादा होता है दे विल बिहेव एज अ वीकर लुइस एसिड लेकिन जो छोटे साइज वाले होंगे दे विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड सिमिलरली अगर एक चीज़ और भी ज़्यादा इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर हमारे पास कोई किटाइन है ठीक है अगर उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है ठीक है अगर कोई कटाइन है जिसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा चार्ज का मतलब क्या होगा उसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं दैट मीन्स वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी कंपेयर आयरन टू विद एफ प्लस थ्री मतलब फ़ेरस और फेरिक को कंपेयर करें ठीक है तो डेफिनेटली फेरस में प्लस टू चार्ज है फेरिक में प्लस थ्री चार्ज है ठीक है तो हुआ क्या एफ़सी प्लस थ्री में इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज़्यादा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है फेरस कम इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होगा उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने की उतनी ही ज्यादा होगी दैट मीन्स वो उतना ही स्ट्रोंग लुइस एसिड होगा कंपेरिजन टू अदर वन ठीक है तो जो हाईली चार्ज किट होंगे उनकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने की वो ज़्यादा रहेगी किसके कंपेरिटिव में जो आपके पास कम चार्ज वाला होगा सो देअर फोर एफ वी प्लस थ्री जो आपका फेरिक आयन है इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉगर लुइस एसिड इन कंपैरिजन टू फेरस आयन सिमिलरली जो हमारे तीसरे तरह तीसरे तरह के जो मॉलिक्यूल्स आएंगे इनके अंदर वो सिंपली वो वाले हैं जो हमारे पास जैसे हमने ऑक्टेट की तो बात कर दी ऑक्टेट तो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आ जाता है आसानी से ठीक है और जो भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है यहाँ ऑक्टेट तो इनके अंदर आ जाता है लेकिन वट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स वहाँ पर तो ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता है इन दैट केस अगर हम बोलें कि वहाँ पर अगर मोलिक्यूल जो भी होंगे हमारे अगर उनके अंदर सेंट्रल जो आपका ऑर्बिटल है जो सेंट्रल एटम है उनके अंदर जो ऑर्बिटल होंगे डी अगर वो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे ठीक है जो भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं अगर उनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे दैट मींस उनकी टेंडेंसी है कि वो आपके पास क्या कर सकते हैं उन वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो दे विल बिहेव एज अ लुइस एसिड सो so दैट मीन्स वो वाले मोलिक्यूल जिनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे ठीक है मोलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम जो भी होंगे सेंट्रल एटम्स हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल वो भी हमारे क्या रहेंगे लुइस एसिड एक्ट करेंगे क्योंकि वो अपना वो अपनी वैलेंसी जो आपकी वैलेंसी चल रहे हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं बियॉन्ड द डेट तो एग्जांपल सिमिलरली अगर हम देखें बहुत सारे ये तो सिंपल हमारे ए एल सी एल थ्री इस तरह के मोलिक्यूल जो हैं इनके अंदर भी आपके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है सिमिलरली इस तरह के जो हमारे मोलिक्यूल्स हैं एंटीबनी पेंटाफ्लोराइड ठीक है दे ऑल बिहेव एज अ लुइस एसड्स तो हमारे जो भी ट्रांजिशन मेटल्स होंगे जिनके पास बेकैंड हैं दे विलो बिहेव एज अ लुइस एसिड एग्जाम्पल हमारे पास सिंपली एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस थ्री कॉपर प्लस टू दे ऑल बिहेव एज अ लुइस एसिड्स नो नेक्स्ट इज द फॉलोइंग स्पीसीज जो है दे विल बिहेव एज अ लुज स्पीसीज अब हम देखेंगे कि लुइ स्पेस के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आ सकती हैं तो पहली चीज जो इसके अंदर आएगी दैट मीन्स जो भी आपके पास न्यूट्रल मोलिक्यूल्स हैं जो भी आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज होंगी ठीक है ऑल द न्यूट्रल स्पीसी न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास क्या होगा लुइज स्पेस में है क्या द स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीस हमारे पास क्या चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्सेस में ठीक है तो न्यूट्रल स्पीसीज विद एटलीस्ट कम से कम उनके पास एक तो होना चाहिए देने के लिए न्यूट्रल स्पीसीज विद एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास एटलीस्ट एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दे ऑल विल बिहेव एज अ लुइस बेस एग्जाम्पल्स अमोनिया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एमीन फंक्शनल ग्रुप ईथर्स फंक्शनल ग्रुप तो ये सारी ये सारी जो न्यूट्रल स्पीसीज हैं लाइक वाटर जो हमारी न्यूट्रल स्पीसीज हैं इन सभी के पास एक्सेस मेल एटमोसफेयर अवेलेबल हैं तो दे ऑल विल बिहेव एज अ लू स्पेस अब जो सेकेंड जो इसमें स्पीसीज आएंगी वो आएँगी आपके पास नेगेटिवली चार पीसीस जो भी आपके पास नेगेटिवली चार स्पीसीज हैं देट मीनस योर एनायंस एनायंस हैं तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट मीन्स टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर वो भी ज़्यादा रहेगी एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड आयन साइनाइड आयन ऑक्साइड आयन क्लोराइड आयंस हेलाइड्स ये सभी आपके पास क्या होंगे दियाल विल बिहेव एज अ लुइज बेस जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी आपके पास उतना ही वो स्ट्रॉग बेस हो जाएगा आपके पास ठीक है अब सिमिलरली अब हमारे पास कुछ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं सम अनसेचुरेटिड हाइड्रोकार्बन्स एग्जाम्पल लाइक एल्कीन है एल्काइंस इवन बेंजीन दे आर विल बिहेव एज लूज बेस क्योंकि ये सारी की सारी स्पीसीज जो है पाई कम्प्लेक्स बना सकती हैं मेटल्स के साथ ठीक है जो आपके एल्किन्स अल्काइंस बेंजीन्स हैं दे ऑल विल बिहेव एजेस क्योंकि सारे के सारे पाई कम्पलेक्स फॉर्मेशन कर सकती हैं विदल आय सिमिलरली कार्बन मोनाक्साइड इट विल्सो बिहेव बेस क्योंकि इसके पास प्रेजेंस है लॉन पेयर इसके पास लॉन पेयर हैं तो कार्बन मोनाक्साइड जो है इट कैन कॉर्डिनेट विद द मेटल आयंस कार्बन मोनाक्साइड कैन कॉर्डिनेट विद द मेटल आयन एंड इट विल फॉर्म मेटल कार्बोनेज जब कार्बोनिल मेटल आइंस के साथ हाँ, कम कंपाउंड बनाता है उनको हम मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं तो जब निकल के साथ आपके पास कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट करेगा तो आपके पास कंपाउंड जो बनेगा दैट इज निकल टेट्रा कार्बोनिल आपका मेटल कार्बोनिल होता है ठीक है तो दिस इज निकल टेट्रा कार्बोनिल तो अब हम नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द सिंपल एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लूइ थ्योरी एसिड बेस रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू लूइस थ्योरी अकॉर्डिंग टू लूइस कंसेप्ट जो आपके एसिड्स और बेस हैं अकॉर्डिंग टू लूइज कंसेप्ट एसिड और बेस में रिएक्शन किस तरह से होंगी तो फॉर एग्जाम्पल इट कंसिडर द कंबिनेशन बिटवीन लूइस एसिड हाइड्रोजन आय एंड लुइस बेस अमोनिया ठीक है दिस इज योर लुइस बेस एंड दिस इज योर लुइस एसिड ठीक है क्या बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बोन बनेगा यही कहा था हमने कि एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा एंड वी आर वी आर गेटिंग डोनर एक्सेप्टर रिएक्शंस जिसको हम इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बोन बन के आएगा सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे हमारे पास ही जो एसिड बेस रिएक्शन होगी वो आयंस के बीच में ही होगी अगर हमारे लुइस एसिड और लुइज बेस हमारे न्यूट्रल मोलिक्यूल्स हों तो उनके बीच में भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई तो कैल्शियम ऑक्साइड दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड वी हैव सल्फर ट्राई ठीक है तो सल्फर ट्राई जो है हमारा वो लुइज एसिड है और जो कैल्शियम ऑक्साइड है दिस इज लुइस बेस ठीक है तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा ऑक्साइड आयन जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेंगे ठीक है तो हमारे पास जो बनके आएगा दिस विल बी कैल्शियम तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दिस विल बी द कैल्शियम सल्फेट नो नेक्स्ट इज अवर लिमिटेशंस तो ये देखते हैं हमारी क्या क्या लिमिटेशंस जो लुइस कंसेप्ट को लेकर रही हैं तो पहली जो लिमिटेशंस थी हमारी जैसा कि हमने कहा लुइस एसिड और लुइस बेस जब भी कंबाइन करेंगे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ठीक है तो हमारे पास कुछ एसिड्स हैं लाइक हाइड्रोक्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह के कुछ एसिड हैं जो प्रोटोनिक एसिड्स हैं लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं बेसिस के साथ तो पहली लिमिटेशन तो ये रही हमारे कि एसिड तो हैं लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं सेकेंड थिंग कि जो एसिड और बेस हैं वो कंबाइन तो कर रहे हैं आपस में कंबाइन कैसे करें ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है तो इनमें हो क्या रहा है आपके पास कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही है जिसकी वजह से अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करें एसिड एंड बेस की तो हमारे पास डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है तो थर्ड हमारे पास जो लिमिटेशन रही वो ये रही कि एसिड बेस रिएक्शन हमारे पास क्वाइट फास्ट होती हैं ये जो रिएक्शन होती हैं एसिड और बेस के बीच में वो बहुत फास्ट होती हैं लेकिन जब भी हमारे पास कंप्लेक्स कंपाउंड बनता है तो जो रिएक्शन होती हैं ना हमारे पास वो थोड़ी स्लो होती हैं ठीक है जो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्योंकि हमारे पास होने के जा रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा ठीक है जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा हमारे बीच में तो जो फॉर्मेशन प्रोसेस होती हैं वो थोड़ी सी स्लो होती हैं ठीक है तो, तो, है, तो ये सिंपल हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन कंसेप्ट में फिट नहीं होता क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तो क्विकली बहुत फास्ट होती हैं लेकिन जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन के आएगा तो हमारे पास प्रोसेस थोड़ी स्लो हो स्लो होंगी तो ये तो हमारे पास जो क्विकेस्ट रिएक्शन है एसिड बेस उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है सिमिलरली अगर हम देखें हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पे हमें प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट चाहिए होता है लाइक वहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत होती है फॉर एग्जांपल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ठीक है हाइड्रोलिस करें हम एस्टर्स की तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन की जरूरत होती है मतलब एसिडिक कंडीशन चाहिए हमें लेकिन लुइस एसिड में जरूरी तो है नहीं कि वो प्रोटोन हो ठीक है तो लुइस एसिड ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोटोन ही कंटेन करे ठीक है तो उन रिएक्शन की प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है तो ये कुछ लिमिटेशंस थी लूइस कंसेप्ट को लेके फाइनली जिसको आगे जाके थोड़ा बहुत तो सॉल्व किया ना हमारा नेक्स्ट जो कन्सेप्ट है दैट इज़ सॉल्वेंट सिस्टम कन्सेप्ट इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे टिल देन गुड बाय टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ और ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहें क्योंकि अभी इस साल आपको ऐसे ही पढ़ना है थैंक यू वेरी मच